हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड्स और फिटनेस। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शकरकंदी की खीर। तो ये जो स्वीट पोटैटो खीर है, ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में एकदम आसान है। सिर्फ 10-15 मिनट में ये खीर बनके तैयार हो जाती है। और अगर आप व्रत या उपवास करते हो तो भी आप इस खीर को खा सकते हो। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा क्रीमी और टेस्टी हमारी खीर बनी है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो अब सबसे पहले शकरकंदी की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम शकरकंदी ली है। ज्यादा मोटी ना हो वैसे शकरकंदी आपको खीर बनाने के लिए पसंद करनी है, ताकि इसमें रेशे बहुत ही कम हो। अब हमें इस शकरकंदी को उबालना है। शकरकंदी को हम जैसे आलू उबालते हैं पानी डाल के, वैसे नहीं उबालना है। शकरकंदी को हम भाप में पकाएंगे, ताकि शकरकंदी के जो रेशे हैं वो कम अलग हो और उसकी जो मिठास है वो ऐसे ही मेंटेन रहे। तो यहाँ पे मैंने एक स्टीमर लिया है। स्टीमर में हम इस तरह का कोई बर्तन रख देंगे छेद वाला, और इसमें हम शकरकंदी डाल देंगे और इसे ढक के मीडियम गैस पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शकरकंदी को ढक के 15 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से आप प्रेस करोगे तो शकरकंदी सॉफ्ट हो गई है। और इसे आप चप्पू या फिर टूथपिक डाल के चेक करो तो इस तरह से पूरी चप्पू शकरकंदी के अंदर डाल दीजिए। आसानी से अंदर अगर चप्पू चली जाती है, मतलब शकरकंदी बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब तक हमारी शकरकंदी ठंडी हो रही है, तब तक मैंने यहाँ पे एक दूसरी कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हम 500 ml जितना, यानी कि आधा लीटर दूध डाल देंगे। दूध को मीडियम गैस पर हम गरम करेंगे। तो जब तक हमारा दूध गरम होता है, तब तक हमारी जो शकरकंदी है ये ठंडी हो गई है। तो इसके हम छिलके निकाल के कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी हमारी शकरकंदी भाप में पक गई है और इसके छिलके बहुत ही आसानी से अलग हो रहे हैं। आप शकरकंदी को रोस्ट भी कर सकते हो। रोस्ट करके भी आप शकरकंदी की खीर बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अच्छे से शकरकंदी के छिलके निकाल दिए हैं। अब हमें इस शकरकंदी को कद्दूकस करना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का एक कद्दूकस लिया है। इसमें हम अच्छे से शकरकंदी को कद्दूकस कर लेंगे। हमारी शकरकंदी बहुत अच्छे से पक गई है, तो 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे से कद्दूकस हो जाएगी और इसमें जो भी रेशे है वो बहुत ही आसानी से कद्दूकस में ही रह जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अच्छे से शकरकंदी को कद्दूकस कर लिया है और हमारा जो दूध है ये भी अच्छा गर्म हो गया है। तो अब हम गर्म दूध में हमने जो शकरकंदी को ग्रेट करके रखा है उसे डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने आधा लीटर दूध लिया है। इसके साथ हमें 250 ग्राम शकरकंदी लेनी है। शकरकंदी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। अब यूकी जो शकरकंदी है ये टेस्ट में मीठी ही होती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून जितनी चीनी ले रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। शकरकंदी बहुत ही ज्यादा टेस्ट में मीठी होती है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि आपको चीनी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो शक्करकंदी आपने जो कद्दूकस की है उसमें से थोड़ी शक्करकंदी आप टेस्ट कर लीजिए और फिर आपके टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चीनी डालिए। तो शक्करकंदी डाल के मैंने अच्छे से इसे दूध के साथ मिला दिया है। अब 2-3 मिनट इसे उबलने देंगे। तो आप देख सकते हो 2-3 मिनट में हमारी जो दूध है वो अच्छा शक्करकंदी के साथ उबल गया है। तो इस स्टेज पे हम फ्लेवर के लिए आधा टीस्पून जितना इलायची पाउडर डाल देंगे, साथ में 5 से 6 कटे हुए काजू, 5 से 6 कटे हुए पिस्ते की फ्लेक्स और साथ में 5 से 6 बादाम की फ्लेक्स डाल देंगे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं लाइक करते हो तो ड्राई फ्रूट को स्किप भी कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी हमारी खीर बनके तैयार हो गई है। साइड पे जो मलाई है इसे हम इस तरह से स्क्रैप करके खीर में ही मिलाते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने खीर को ड्राई फ्रूट इलायची पाउडर डाल के 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। और अब आप देख रहे हो खीर अच्छे से स्पैचुला में कोट हो रही है। और अब जब ये थिक हो जाएगी, थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी, तो ये और ज्यादा थिक हो जाएगी। तो इस स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस शकरकंदी की खीर को एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे।
तो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा क्रीमी, टेस्टी और गाढ़ी हमारी खीर बनके तैयार हुई है। अगर आपने ऐसी खीर कभी नहीं बनाई है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और आपके एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खीर को हम ऊपर से पिस्ता फ्लेक्स और बादाम फ्लेक्स से गार्निश कर देंगे। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।